व्हाट्स अप दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रिएटर में। मैं हूँ आपका अनिल और आज हम सीखने वाले हैं गोल्डन 3D एब्स्ट्रैक्ट ट्वर्ल बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स यूज करके। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कोई भी टिप्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आर्टबोर्ड लिया है 1920 विड्थ में और 1080 हाइट में, और ये जो स्वॉच है वो मैं इस बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज करने वाला हूँ। अगर ये स्वॉच का कोड आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं ले लेता हूँ एक इलिप्स, तो यहाँ पे मैं एल प्रेस करता हूँ और इलिप्स ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं 900 पिक्सल का एक इलिप्स क्रिएट कर लेता हूँ और अब मैं इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लिया आर्टबोर्ड से। अभी मैं आई ड्रॉपर सिलेक्ट कर लेता हूँ आई प्रेस करके, और यहाँ पे इसे ये कलर को पिक कर लेता हूँ। तो अभी फिलहाल ये कलर पिक हो चुका है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। अब ये कॉपी हो चुका है और फिर कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस कर लिया मैंने। अब इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं वी टूल से, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अभी इसका साइज हम चेंज करके 850 कर लेते हैं, 850x850 प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे मेरा प्रोपोर्शनल ऑन कंस्टेंट जो है प्रोपोर्शन ऑन है, तो ये अभी कंस्टेंट ही स्केल हो चुका है। तो वापस इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट इन प्लेस कर लेते हैं। फिर से मैं इसका साइज रखता हूँ 800। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। इसे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और शेप बिल्डर टूल से इस सेंटर जो सर्कल है इसे मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे अल्ट प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके माइनस कर लिया मैंने। तो अब ये दो सर्कल जो बन चुका है। तो अब मैं ये सर्कल को, जो सेंटर वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो ग्रेडियंट कलर है दोनों का ग्रेडियंट कलर वो सेम ही है। तो मैं अभी इसे कुछ 10 डिग्री से थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो 10 डिग्री से ये रोटेट हो चुका है इसका ग्रेडियंट। तो देखिए अब ये जो ग्रेडियंट है इसका 10 डिग्री से रोटेट हो गया, तो कुछ इस तरह नजर आएगा। तो इसे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसे ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इफेक्ट में जाता है डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और फिर ट्रांसफॉर्म क्लिक कर लेते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप है। अब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केल करेंगे। स्केल करते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो ये 89 तक ले लेते हैं हम दोनों, 89 हॉरिजॉन्टल और 89 वर्टिकल। तो ये दोनों डिग्री में हमने स्केल कर लिया। अभी हम पहले तो हम कॉपी क्रिएट कर लेंगे जितना हमें चाहिए था। तो हम कुछ कॉपी क्रिएट कर लेते हैं अराउंड 49। तो मैंने कुछ 49 कॉपीज क्रिएट कर लिए यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस तरह नज़र आ रहा है ये। और अगर मैं इसे भी रोटेट करूँ, तो देखिए ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो आप जितना चाहिए उतना रोटेट कर सकते हो। तो मैं कुछ अराउंड 20 डिग्री तक रोटेट करता हूँ। तो ये 20 डिग्री में मैं रोटेट कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसे ओके कर लेता हूँ। तो हमारा ये वाला जो बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसे मैं रोटेट करके थोड़ा सा ट्विल्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ नजर आ रहा है। तो अब हम इसे ऑब्जेक्ट में जाते हैं और एक्सपर्ट अपीयरेंस कर देते हैं। हालांकि ये पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसे स्केल कर लेते हैं अराउंड आर्टबोर्ड के जितना। तो मैं भी इसे स्केल कर लेता हूँ आर्टबोर्ड के उतना जितना हमें हमारा आर्टबोर्ड है उससे थोड़ा सा बड़ा। तो मैंने ये स्केल कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से 12 आ चुका है। अब मैं रेक्टेंगल टूल से आर्टबोर्ड के साइज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। वी प्रेस करते हैं और सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, राइट क्लिक मेक
क्लिप मास्क। तो ये हमारा गोल्डन 3D एब्स्ट्रैक्ट ट्वर्ल बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप 3D में 2D ऑब्जेक्ट को 3D में क्रिएट कर सकते हो। 3D मेनली ग्रेडियंट कलर इफेक्ट्स ही होते हैं जिससे हमारे ऑब्जेक्ट्स 3D लगने लगते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर दिया है और आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और भी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड वीडियोज देखने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।